राक्षस है राक्षस, वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ था। उस बुड़बक को तो ऐसा लतियाएंगे ना, मार मार के कचुम्बर निकाल देगा उसका। हाँ बता रहे, वो सब छोड़ो, तुम बेटिया को बाहर निकालो, गाड़ी आगे चल जाएगी। जल्दी करो, जल्दी करो। कायर पीछे से वार करता है हम पर। तेरा खेल तो हम आज ही खत्म कर देते हैं। आज तो गया हमेशा हमेशा के लिए। अपने भगवान को याद कर ले। ये पीछे हमने तुझे बहुत मारा ना, तू हमें मार, दिखा तुझे कितना कम है। बाबा हम सबको मार देगा, ये राक्षस है, राक्षस है। ए, क्या आदमी है ये? अच्छे खासे देवता इंसान को राक्षस कह रहा है ये। कलयुग आ गया जी, घोर कलयुग है ये। नहीं हम सच कह रहे, ये सबको मार देगा, खून कर देगा सबका, खून ही खून ही खून। जसवा, क्या करना है इस लौंडे का? करना क्या है, पुलिस के हवाले कर दीजिए। इसने हमारी जान लेने की कोशिश जो की है, इस काली की मदद से। आप जानती हैं कि ये सब कांड कैसे हुआ? वो जो तुलसी रस हमने शुद्धि के लिए दिया था ना सबको, उसमें इसने कुछ मिला दिया। आप सब घटाघट पी गए और बेहोश हो गए। वो तो भला हो ईश्वर का कि हमने थोड़ा सा ही पिया, व्यस्त थे ना हम।
तो हमारी बेहोशी बहुत जल्दी खत्म हो गई। जब हम उठे तो हम क्या देखते हैं, ये सुनैना को मारने की कोशिश कर रही है। इस पागल के साथ और हम फिर इन दोनों का पीछा करते करते वहीं पहुंच गए जहां आप हमें मिली, वहां जंगल में। और हम वैसे ही मदहोशी में थे, पता नहीं क्या पिलाया था इसने, तो कुछ ठीक से उसका सामना भी नहीं कर पाए। इसने इतना बड़ा लकड़ी का डंडा उठा और हमारे सर पे दे मारा। बस करिए बड़के बाबा, और कितना झूठ बोलेंगे आप खुद को बचाने के लिए। अरे ये बहुत ही बड़ा झूठा आदमी है, ये तो पक्का नरक जाएगा। वैसे भी अम्मा कहते रही, जो आदमी झूठ बोलता है ना, भगवान उससे हमेशा गुस्सा होता है। असली बात क्या है हम बताते हैं। जबरदस्ती नंदू की दुल्हनिया को गाड़ी में बैठा कर भगा कर ले जा रहा था, वो तो हमने रोकने की कोशिश करी तो इसने गाड़ी से टक्कर मारकर हमें पानी के नीचे गिरा दिया। वो तो हमने किसी तरह डायरी को पकड़ लिया। अरे सब खड़े हुए, ये इस पागल की बात क्यों सुन रहे हैं? और हम ऊपर आ गए, झूठ बोल रहे हैं। इतनी नीचे गिरो, फिर से ऊपर आ गए। नहीं, हम पूरा नीचे नहीं गिरे थे, वो तो हम ओके सब फिल्मी डायलॉग्स ना हमारे सामने यूज मत करो। हमारे पास ना ही टाइम है और ना ही पेशेंस। अब एक चीज तो क्लियर हो गई, बच्चे बच्चे को समझ आ जाएगा कि तुम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। उस दिन तुम काली को भी लेने आए थे और हमें यह भी पता है कि काली को इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। देखा नहीं आप सब लोगों ने उस दिन कैसे नैना को लेने यहां तक पहुंच गया था। क्या बकवास कर रहे हो गौरी, कली के दिल में कोई सॉफ्ट स्पॉट नहीं है नंदू को लेकर। उन्होंने जो भी किया इंसानियत के नाम पे किया। वाह मंजीबा, इंसानियत एंड ऑल। रुक जाओ, हमारे पास एक प्रूफ है, हम भी दिखाते। देखिए पापा। अरे ये क्या दिखा रही हो दादी जी? ये देखिए, बहुत हिम्मत आ गई है ना तुम्हारे अंदर, इतनी हिम्मत आ गई है कि अब तुम हम पर हाथ उठाओगी। एक वक्त ऐसा था काली कि जब तुम्हारी कोई औकात नहीं थी हमारे सामने, भूलो मत। थप्पड़ का जवाब जरूर देंगे। और रही बात इस वीडियो की, तो हमने वही दिखाया जो तुमने किया।
और सच झूठ का फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? देखने वाले खुद फैसला कर लेंगे ना? कली के चरित्र पर कोई कोई उंगली नहीं उठा सकते, हम गारंटी देते हैं इस बात की। अपना गारंटी रखो अपना पास। वो वीडियो में सब देख लिए, सब कुछ देख लिए जो भी पकड़ा इन दोनों के बीच में। वैसे युग, तुम्हारी क्या राय है? भरोसा तो कब का टूट चुका था, और जो इंसानियत थोड़ी सी बची थी आज वो भी खत्म होगी। पर बदकिस्मती से तुम मेरे बच्चे की मां, इसीलिए 3 दिन, सिर्फ 3 दिन देता हूं तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अगर इन 3 दिनों में तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाई तो हम जेल जाएंगे। सुना, आप ये क्या कह रहे हो? हम सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित नहीं करेंगे बल्कि असली गुनहगार कौन है ये भी सबके सामने लाएंगे सबूत के साथ। पर उसके बाद असली गुनहगार जेल जाएगा। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। नंदू, आप अपने घर चले जाइए। नहीं, अब नंदू की दुल्हनिया को इस बढ़कर राक्षस के पास में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आपने हमारी बहुत मदद की है नंदू, हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। पर अब ये लड़ाई बड़ी होने वाली है और हम आपको किसी खतरे में नहीं डालना चाहते। अब हमें ये लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी, और राम जी ने चाहा तो जीतेंगे भी। आप प्लीज अपने घर जाइए, आपकी माँ आपकी राह देख रही होगी। ठीक है, हम चले जाते हैं, छोड़ा हमको। लेकिन अगर किसी ने भी नंदू की दुल्हनिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो हम वापस आएंगे, और ऐसा वापस आएंगे कि सब कुछ तहस नहस कर देंगे। हम अपनी माए की कसम खाते हैं। अरे लेके जाओ इसे। थोड़ा आराम कर लीजिए जा बाबू। आओ बेटा। क्या हो रहा है? बच्चों का ध्यान रखो रे। कल ही इस बच्ची के रूप में साक्षात कान्हा जी आपके साथ है। कंस हारा था, और देखना आचार्य जी भी हारेंगे और आपकी विजय होगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा नैना, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। मंजी माँ, क्या 3 दिन में हम अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएंगे? क्या हम सबके सामने सच ला पाएंगे? हम नहीं ला पाएंगे कली, लेकिन ये जो योग माया आपके पास है वो लाएंगी। आचार्य जी को लगता है कि नैना उनका काल है, इसीलिए इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब देखना कली, यही नैना
उनके खूनी इरादों का पर्दाफाश करेगी। आज फिर हम आपके दरवाजे पर आए, वक्त बहुत कम है हमारे पास और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है हम पर। बात सिर्फ हमारी होती तो हम खुशी खुशी चले जाते जेल, पर इन सब में इस मासूम बच्ची की क्या गलती? बड़के पापा के अंधविश्वास का शिकार ये क्यों बने? हम इसे इसकी असली माँ के पास पहुंचा देंगे और फिर ये घर छोड़कर चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। पर उसके पहले बड़के पापा का पर्दाफाश करना जरूरी है। उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सत्य ने असत्य को एक बार फिर चुनौती दी है। तेरी चुनौती हम स्वीकार करते हैं काली। 3 दिन की ही तो बात है, तब तक ये रक्षा कवच हमारी सुरक्षा करेगा, लेकिन 3 दिन के बाद कौन सुरक्षा करेगा तेरी हमसे? अरे ये तो टूट गया। आचार्य जी, ऐसा क्या टूट गया कि आप इतने परेशान हो रहे हैं? तुम्हारा विश्वास। मतलब हम समझे नहीं। मंजरी, मंजरी तुम्हारा विश्वास हम पर से टूट गया है। तुम अपने पति से हमसे ज्यादा काली पर विश्वास करने लगी, क्या ऐसा नहीं है मंजरी? हाँ आचार्य जी, हमें काली पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम आपकी अर्धांगिनी हैं। काली आपकी जगह थोड़ी ना ले सकती है आचार्य जी। आचार्य जी, हम आपसे कुछ कहें? हाँ बोलो। वो कुछ दिनों से हमें बहुत बेचैनी हो रही है, डर सा लग रहा है। किस बात का डर? छोड़िए, हम भी क्या बातें लेके बैठ गए, अब कुछ नहीं। अरे हम तुम्हारे पति हैं, ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य भी है कि अपनी पत्नी का कोई भी डर हम दूर करें। आपको खो देने का डर? हमें खो देने का मतलब? मतलब हमारा मंगलसूत्र टूट गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमने संकल्प लिया है कि हर सोमवार को हम व्रत रखेंगे और वो सुहागन पूजा होती है ना, वो भी करवाएंगे। हम जल्दी से जाके पूजा की तैयारी करते हैं। उनकी बेचैनी देखकर हमें इस बात का तो यकीन हो गया है कली कि वे खुद के खोदे हुए गड्ढे में जरूर गिरेंगे और उनकी सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। मंजी बाब, एक और बात है, हमें नहीं लगता कि बड़के पापा ये सारे काम अकेले कर रहे होंगे। पुरोहित जी पर्दे के पीछे से उनकी मदद कर रहे। हाँ कली, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और पुरोहित जी को तोड़ना तो बहुत आसान होगा, उन्हें तो सिर्फ डराना है। हाँ, और इससे बड़के पापा और हड़बड़ा जाएंगे। ये हम सुहागन पूजा के दौरान करेंगे कल। पर कैसे? बहुत आसान है,
ये उंगली है ना, बस इसे थोड़ा सा टेढ़ा करना हो। हाँ, और तब तक हम बड़के पापा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। दोनों तरफ से हमले होंगे तो वो बौखला जाएंगे।